हे गाइस वेलकम टू स्पार्टन्स। सब आई होप गाइस अच्छे होंगे। सर फाइनली हम लोग के पास सीजन 19 का ऑफिशियल टीयर रिवॉर्ड आ चुका। वैसे ये जो टीयर रिवॉर्ड है कल शाम को ही आ चुका, बट मैं कल लाइव स्ट्रीम कर रहा था इसी चलते मैं वीडियो नहीं बना पाया। बट इसका मतलब यह नहीं कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, टीयर रिवॉर्ड दिखा के छोड़ दूंगा, नहीं। इसमें मैं दो तीन चीज़ और भी ऐड करूंगा जो कि आपको शायद से नहीं पता, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आप देख के डेफिनेटली खुश होने वाले हैं, क्योंकि आपको पबजी न्यू स्टेट का जो फीचर वो पबजी मोबाइल का नॉर्मल वर्जन में ही देखने को मिल गया, जो कि काफ़ी अच्छा वाला बात है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जो इम्प्रूवमेंट हुआ, नया फीचर ऐड हुआ, उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग लीक्स देखेंगे। तो इधर आप देख पा रहे हैं सबसे पहला जो चेंजेस मुझे देखने को मिला है या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला हुआ है हम लोग का कंपेनियन में। तो कंपेनियन का जो टेक्स्चर है वो थोड़ा इम्प्रूव किया गया गॉडजिला एंड कॉन्ग में, क्योंकि आपको पता है जो गॉडजिला एंड कॉन्ग था उसका टेक्स्चर इवन इसका साइज काफ़ी छोटा था, उसको थोड़ा सा मुझे लगता है बड़ा कर दिया गया है। जैसे कि देख पर कॉन्ग का जो टेक्सचर थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो मैं आपको और डिटेल में दिखाता हूँ। व्हाट्सएप में क्लिक करेंगे, इधर आप देख पर कंपेनियन में, और इधर आप देख पर जो हम लोग का गॉडजिला था उसका जो कलर था कंप्लीटली ब्लैक था, उसको चेंज करके ग्रीन कर दिया गया, और ये जो टेक्सचर है मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इवन जितना भी इमोट्स है उसका लोगो आपको दिखाई दे रहा है, सब इमोट काम करने लग रहा है। तो पहले वाला वर्जन में ये बग्ड आउट था, अभी ये सही हो गया। और इवन इसका जो ब्रेथ है एटॉमिक ब्रेथ, ये काफ़ी ओपी हो गया है, अभी रियलिस्टिक थोड़ा बहुत लग रहा है। तो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। इवन कॉन्ग को भी आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत इसका भी टेक्सचर चेंज किया गया, और इसका भी आप देख पा रहे जितना भी इमोट आपको इधर दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस ये वाला जो इमोट आप देख पा रहे सही से आया नहीं, बट ये जो इमोट आप देख पा रहे, जैसे ही आप ये कंपेनियन को लेके एरोप्लेन से उतरेंगे, आपके पास अगर ये कंपेनियन रहता तो ये आपके कैरेक्टर का पीठ में ऐसे ही हवा में उड़ते उड़ते जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये तो फैल्कन नहीं कि उड़ते उड़ते जाएगा, ये आपके जो कैरेक्टर उसका पीठ पकड़ के नीचे उतरेगा। तो गाइस ये तो था एक इंप्रूवमेंट। अभी मैं आपको एक नया फीचर दिखाता हूँ जो कि पबजी न्यू स्टेट से आने का पहले ही आपको पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन या पबजी मोबाइल 1.4 का अपडेट में देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपको पता होगा पबजी मोबाइल न्यू स्टेट का जो ट्रेलर, तो उसमें आपको बहुत सारे न्यू चेंजेस देखने को मिला, टेक्नोलॉजी है, गैजेट्स है, बट उसके साथ साथ एक आपको चीज दिखा था सोल्जर व्यू अटैकिंग ऐसे कुछ था। और ये जो फीचर है पबजी पीसी में ऑलरेडी अवेलेबल है, गेम फॉर पीस में भी था, और ये पबजी मोबाइल के न्यू स्टेट में भी आने वाला है। बट उससे पहले हम लोग ग्लोबल वर्जन में ये फीचर को दिया गया। जैसे आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको वो फीचर का ऑप्शन दिख जाएगा, बट वो चाइनीज़ में लिखा हुआ, बट मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूँ जो कैसे देखने में लगे। तो ये आप देख पा रहे प्रैक्टिकली सोल्जर व्यू, जहाँ से आप ADS बिना खोले भी आप एनिमी को मार सकते। बहुत बंदे ऐसे होते हैं वो ज़्यादा ADS को ऑन नहीं करते, क्योंकि ADS एक बार ऑन हो जाता है तो आपको पता है कि अटैकिंग थोड़ा स्लो हो जाता है, मतलब आप दौड़ नहीं पाता आपका कैरेक्टर वैक्टर। तो उन लोग ये सोल्जर व्यू को यूज़ कर सकते, क्योंकि वो राइट साइड का पूरा कंपार्टमेंट आपको दिखने का लगता है और ईजिली आप किसी को भी मार सकते। बट उसके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्योंकि आपको एकदम एक्यूरेट हेड में मारना पड़ता है। तो डेफिनेटली ये फीचर आपको पबजी मोबाइल 1.4 में देखने को मिलेगा। कैसा लगा आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको पता ऑलरेडी पबजी मोबाइल 1.4 में 3 मोड तो अवेलेबल था, जैसे कि आपको पता होगा इरेंगल में गॉडजिला मोड, सैनॉक में कॉन्ग मोड, उसके साथ साथ लिविक में मेका गॉडजिला मोड। तो उसके साथ साथ और एक मोड इंक्लूड किया गया, जैसे कि आप देख पा रहे इरेंगल में, ये मोड का नाम अभी चाइनीज में लिखा हुआ बट कुछ टेलीपोर्ट वाला मोड है। तो इसका कंप्लीट गेम प्ले मैं बहुत ही जल्दी बना दूंगा, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये मोड कैसे काम करेगा। तो डेफिनेटली उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी हम लोग देखने वाले सीजन 19 का ऑफिशियल टीयर रिवॉर्ड। तो थैंक्स टू लकी मैन एंड मैट तमीजा, दोनों ने मिलकर ये लिंक्स प्रोवाइड किया, उनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके सपोर्ट दिखा सकते हैं। सबसे पहले जो टीयर रिवॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है सीजन 19 का, वो गोल्ड लीग का ये आउटफिट। ये आउटफिट थोड़ा बहुत मुझे सीजन 16 या 17 में जो आउटफिट था उससे मिलता जुलता लग रहा है, सिमिलरली लग रहा है। केवल येलो वाले स्ट्राइप जो आपको दिखाई दे रहा है वो नया एड केस ही चलता, थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, बट मुझे थोड़ा बहुत सीजन 16 वाला जो आउटफिट है उसी से मिलता जुलता ये लग रहा आउटफिट। उसका जैसे आप प्लैटिनम लीग पहुंचेंगे तो उसका 5 मैच जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ये वाला मार्क्स दिखाई देगा या गॉगल्स बोल सकते हैं। ये काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, वो आउटफिट के साथ अच्छा खासा जा रहा है। तो ये आप देख पा रहे ये गॉगल्स आपको मिलेगा प्लैटिनम टीयर में। उसका जैसे ही आप डायमंड टीयर में जाएंगे तो इस बार जो गन स्किन है काफ़ी ओपी दिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आपको पता है M24 जो अभी है उसमें आप एक्सटेंडेड लगा सकते हैं, स्टॉक प्लेट लगा सकते हैं, और नॉर्मली आपको एयर ड्रॉप में ये गन देखने को नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आप M249 को अच्छा खासा भी यूज़ कर सकते हैं। जो जो बंदे ड्रॉप लूटते भी नहीं वो उन लोग भी ये स्किन को इक्विप करके ये स्किन को मजा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डायमंड टीयर में जो स्किन है M249 के काफ़ी ओपी लगा, वन ऑफ द बेस्ट
डायमंड टीयर स्किन आप बोल सकते हैं। तो आपको कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप एस टीयर पहुंचेंगे तो आपको ये सीजन 19 का ऑफिशियल एस पैरासूट मिल जाएगा। इस बार जो पैरासूट है बहुत ही अच्छा लग रहा है, नीट एंड क्लीन है, ज़्यादा इसमें डिज़ाइन नहीं है, बट जितना भी डिज़ाइन किया गया काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो होपफुली सीजन 19 तक हम लोग पबजी मोबाइल इंडिया आ जाए, जिससे मैं एस तक एटलीस्ट पुश करूँ, क्योंकि ये वाला वर्जन हमें पुश करने का मन नहीं करता है लिटरली। इसे चलते अगर इंडियन वर्जन आ जाता तब तक तो हम लोग डेफिनेटली एस के लिए इस बार ट्राई करेंगे और ये पैरासूट लेने का पूरा पूरी ट्राई करेंगे। उसके बाद आता है कॉन्करर, जो कि मेरा लेवल का नहीं है भाई, कॉन्करर का वही फ्रेम हर एक बार नंबर चेंज होता है। तो कैसा लगा आपको टीयर रिपोर्ट डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो। उसके साथ साथ अभी मैं आपको लॉबी दिखाने वाला हूँ सीजन 19 का। तो ये आप देख पा रहे ऑफिशियल लॉबी आपको दिखाई दे रहा है, कैसा लगा ये लॉबी आप कमेंट कर सकते हैं। और इवन आप देख पा रहे पीछे गॉडजिला एंड कॉन्ग भी है। उसके साथ साथ कुछ प्रीमियम क्रेट का जो नेम है वो लीक होकर आ चुका है। ये प्रीमियम क्रेट मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद जो प्रीमियम क्रेट आने वाला वो वाला प्रीमियम क्रेट नहीं है, क्योंकि इसके बाद वाला जो प्रीमियम क्रेट है वो 1 मई को आने वाला, जो कि पबजी मोबाइल 1.3 का अपडेट का ही बोल सकते हैं पार्ट है। ये जो प्रीमियम क्रेट मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है पबजी मोबाइल 1.4 का कंटेंट, जैसे गॉडजिला और कॉन्ग आपको दिखाई दे रहा। तो जितना भी आप सीजन 19 का चीज़ें देखेंगे वो नेचर से मिलता जुलता होगा, रॉयल पास भी जो रहेगा ना वो भी नेचर से मिलता जुलता रहेगा। तो ज़्यादा मैं अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जब इसका टेक्सचर आएगा तो वापस से एक एक चीज़ को मैं डिटेल में दिखाऊंगा। मैं केवल आपको दिखा दिया कि नेक्स्ट का नेक्स्ट जो प्रीमियम क्रेट आएगा वो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ही थीम में रहेगा। डेफिनेटली हो सकता है अपना जो प्रीमियम स्क्रैप है उसको बचा के रखिए, क्योंकि इसका बाद का बाद जो प्रीमियम क्रेट है वो काफ़ी ओपी होने वाला है। ठीक, ज़्यादा मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वापस से जब टेक्सचर के साथ आएगा तो मैं एक एक चीज़ आपको दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद कुछ ग्राफिटी ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है स्पीड नाम का। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ आपको पता है पबजी मोबाइल का हर एक वर्जन में दो दो सेट ऑफ प्रीमियम क्रेट आता है। तो पहला सेट दिखा दिया, ये आपका दूसरा सेट है जिसका नाम आप देख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग फिलहाल के लिए स्किप करते हैं, क्योंकि हम लोग जब टेक्सचर आएगा तो वापस से इसको देखेंगे। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और इवन आप देख पा रहे हैं मेका गॉडजिला का अवतार आपको दिखाई दे रहा, मार्क्स अवतार आपको दिख रहा था। ये कुछ चीज़ें था जो कि लीक होकर आया, मे बी कुछ इवेंट या कुछ आरपी क्रिएट में भी देखने को मिल सकता है। गॉडजिला अवतार फ्रेम आपको दिख रहा है, ये मे बी कोई इवेंट में आएगा क्रिएट में। उसके बाद मोनार्क अवतार फ्रेम आपको दिखाई दे रहा, ये भी ठीक ठाक सा है। ओके गाइज, आई होप अपने कंप्लीट जो लीक्स है वो देख ही लिया होगा। अभी बहुत सारा और भी लीक्स आने वाला, एक नया मोड भी है, उसका गेम प्ले भी आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए ये वीडियो को इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।